Hello friends, welcome my YouTube channel coding with ये आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, जावा प्रोग्राम टू। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा गया है जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ए न्यू लाइन स्ट्रिंग। अभी तक आप लोग क्या करते होंगे, अगर मान लीजिए आपको एक ही मैसेज दो जगह लिखा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, फिर उसके बाद दूसरा लिख दिया स्ट्रिंग मेल ETF कुछ भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब प्रिंट कराएं, प्रिंट कराते टाइम ये जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट हो, उसके बाद स्पेस देके यानी न्यू लाइन पे जाके ये वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है, सेकंड। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, आउट डॉट साथ में दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट ये लिखता हूं मैं, अभी तक क्या आप लोग भी लिखते होंगे, प्रिंट प्रिंट लिखते हैं, इसके अंदर जो भी चीजें प्रिंट कर देंगे तो एक ही बार में वो प्रिंट कर देता है, ठीक है, एक ही लाइन में। अगर हम यहाँ पे प्रिंट ln यूज करेंगे, क्या प्रिंट ln ये न्यू लाइन पे करेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं एक ही लाइन लिखें, ठीक है, क्या लिखें, एक ही लाइन लिखें, और उसके बाद इसके अंदर जो चीज यहाँ पे मैंने यहाँ पे ABC लिखा है ADF एक ही इसी के अंदर लिख दें और सारा का सारा हमारा प्रिंट हो जाए एक न्यू लाइन 1x1, ठीक है। या तो आप 1x1 प्रिंट ln लिखे, ABC लिखेंगे, ADF लिखेंगे, तो जाके आपकी एक न्यू लाइन पे प्रिंट होता रहेगा। बट हम क्या चाहते हैं कि हम एक ही चीज, मतलब एक ही यहाँ पे जो हमारा प्रिंट ln के अंदर एक ही बार में लिखें, कुछ इसके अंदर ऐसा लिखें कि ताकि वो हमें पूरा न्यू लाइन में प्रिंट कर दे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड हमें है जिसको बोलते हैं सिस्टम डॉट लाइन सेपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये हमें दे देता है कि जहां इसको यूज कर लोगे उसके बाद वाली अगला जो वर्ड होगा, जो स्ट्रिंग होगी, वो क्या करेगा, एक न्यू वैल्यू मतलब एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोड के थ्रू करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, ये हमारा न्यू लाइन का है, तो नाम भी वही दे लेते हैं, न्यू लाइन स्ट्रिंग का है, ठीक है, मेन मेथड भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बन के आ गया, ठीक है, इस पे थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं क्या कह रहा था, जिसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, अभी मैं वहां पे दो वैल्यू दिया था, ठीक है, ABC फिर अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पे DEF, ये यहाँ पे एरर बता रहा है, तो आप इसको ठीक है कह रहा है कि प्रिंट भी नहीं होता, इसको मैं क्या करता हूँ प्लस कर देता हूँ, खड़ी आएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करता हूँ, पहले इसी को पहले रन करता हूँ, फिर जो मतलब एक न्यू लाइन के लिए हम जो बताना चाहते हैं 1x1 वो भी चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रन कराया, अभी देखिए क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करके दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लिखा गया है एक ही लाइन में यहाँ लिखूं, बट ये क्या हो ABC के बाद DEF न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब इसके लिए क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे ln लिख दिए, ठीक है, तो इसको कॉपी किया पेस्ट किया। अब अगर हम दोनों प्रिंट कराना चाहें जैसे हम आउटपुट चाहते हैं, अब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेव कर दिया, फिर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट, अब ये आउटपुट आ गया यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट तो सही है, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ा, दो लाइन, और मान लीजिए हमें
और ऐसी वैल्यू हो गई, मतलब हमने कहा कि हमें चार पांच वर्ड्स हैं अलग अलग स्ट्रिंग में, आप उसको प्रिंट कराना है, तो आपको ऐसे लाइन बाय लाइन लिखने पड़ेगा। तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड है जिसको बोलते हैं सिस्टम डॉट लाइन स्प्लिटर मेथड वाला, ठीक है। अब उसका यूज कैसे करेंगे हम उसको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं पहले क्या करूंगा, स्ट्रिंग इसको होल्ड कर ले रहा हूँ किसके, एक न्यू लाइन मेथड में, सॉरी एक न्यू लाइन में, इसलिए ताकि समझ में आ जाए कि इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। अब इसको क्या, जो हमारा मेथड था सिस्टम डॉट, ठीक है, जैसे ही आप देखिए मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है, ये हमारा मेथड है। अब क्या, अभी इसी को हम यूज करेंगे जहां जहां हमें यूज करना है। अभी दिखाते हैं आपको, जैसे मैं अब क्या करूंगा, एक ही हमें चीज चाहिए तो मैं इसको हटा दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस ये है न्यू लाइन प्लस स्ट्रिंग कुछ भी ले लीजिए, ठीक सेव कर दिया। अब इसको इवन मैं इसको कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ दोनों अलग अलग। अब ऐसे कुछ भी नहीं, अगर आप हम प्रिंट यहाँ पे और करना चाहें, कुछ और लिखना चाहें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू लाइन प्लस स्ट्रिंग, कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए। इसे मैं अपना नाम डाल दिया वेद, क्या करेगा ये, उसके नीचे प्रिंट होगा। अब आप कोई भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो इसके में क्या, ये न्यू लाइन जो हमने यहाँ पे लिए थे, ये न्यू लाइन जरूरी थोड़ी है कि आप न्यू लाइन, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोडिंग, ठीक है, बस यहाँ पे भी वही चीजें लिख दो। मैंने न्यू लाइन क्या करे, वैल्यू को होल्ड कर, मतलब वो बता रहा है कि ये उसका मेथड क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा रन कर दिया, देखिए ये प्रिंट आउट होके आ गया। अब जैसे अब इसको क्या करना, अगर प्रिंट एल एन यहाँ पे ना यूज करके, अगर हमें इसको तीन लाइन करना पड़ता, ए बी सी का एक होता प्रिंट एल एन यूज करता मैं, फिर डी ई एफ को प्रिंट एल एन में लिखता, मतलब तीन वैल्यू प्रिंट करता। अब मुझे चेक क्या चाहिए था कि एक बार में ही एक ही में हम प्रिंट एल एन देते हैं, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। आप लोग को आई होप इस सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि एक न्यू लाइन जो होता है कि उसके लिए अगर हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं तो कैसे, न्यू लाइन में हम एक ही न्यू लाइन के थ्रू हम यूज कैसे करेंगे। तो न्यू लाइन के थ्रू हम जो हमारा ये है लाइन इंस्पेक्टर क्या करता है, उसको ब्रेक करता है, जहां जहां आप यूज करेंगे, जहां पे ऐड कर देंगे वहां पे वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड, बस इतना ही इसका मेथड है सिस्टम डॉट लाइन स्प्लिटर। आप जैसे ही इसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।